डिवाइड बाई इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों डिवाइड कर डिवाइड डीएक्स जो भी लिखा जो भी लिखा ये डिवाइड बाई डीएक्स हो जाएगा। दोनों के साथ अलग अलग अंदर डेरिवेटिव अप्लाई किया, पहले बाय लिखा फिर अंदर दोनों के साथ अलग अलग लगाया, और सेकंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है सेकंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और फिर सेकंड के एंगल का भी डेरिवेटिव होगा डीएक्स में डीएक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ प्लस वन है उसका डेरिवेटिव होगा माइनस सेकंड हाइपरबोलिक एक्स के प्लस वन प्लस टेन इंटू टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के प्लस वन, और फिर यहाँ पे सेकंड के एंगल का भी डेरिवेटिव होगा सेकंड का एंगल है एक्स के प्लस वन डिवाइड एक्स एक्स के प्लस वन लिखेंगे प्लस, अब टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स के प्लस वन होगा, फिर टेन के एंगल का भी डेरिवेटिव डिवाइड एक्स ऑफ एक्स के प्लस वन उसका डेरिवेटिव होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया माइनस सेकंड ये उस तरह से लिखा टेन ये भी उस तरह से लिखा, डेरिवेटिव दोनों साथ अलग अलग अप्लाई किया डिवाइड एक्स एक्स के साथ डिवाइड एक्स वन के साथ लिखा, यहाँ पे सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स के प्लस वन उस तरह से लिखा, यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों साथ अलग अलग अप्लाई किया, इन दोनों के डेरिवेटिव एक जैसे ये एंगल एक जैसे थे तो यहाँ भी डेरिवेटिव बच जाएगा टू एक्स, और यहाँ भी डेरिवेटिव नीचे बच जाएगा टू एक्स प्लस जीरो। यहाँ पे भी ये सारी टर्म उस तरह से लिखेंगे, और इसका जो डेरिवेटिव है ये टू एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये उस तरह से लिखेंगे उसका डेरिवेटिव टू एक्स और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और इसका टू एक्स शुरू में आ जाएगा ये देखें, और इसका टू एक्स हम शुरू में सेकंड के साथ लिख लेंगे ठीक है, और माइनस टू टू एक्स और सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के प्लस वन दोनों में कॉमन आ रहे हैं माइनस टू एक्स सेकंड हाइपरबोलिक एक्स के प्लस वन इधर भी है और यहाँ इसमें भी है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे टेन यहाँ से ये दोनों निकलेंगे भाई तो टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के प्लस वन आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और टू एक्स बाय निकल गया सेकंड हाइपरबोलिक एक्स के एक बाय निकला तो एक अंदर बच जाएगा, इसका डेरिवेटिव ही आगे देख लें। ये पार्ट करते हैं वाई टू को सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन होल का ऑल पावर एक्स है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर हो तो हमेशा लॉग लेते हैं, लेकिन लॉग अन बहुत दोनों लॉग अप्लाई करेंगे लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पे लॉग ये वैल्यू लिखेंगे ठीक है, और पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी लॉग ये वैल्यू ठीक है, लॉग एम पावर एन यानी कि पावर पहले आ जाएगी और लॉग एम, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड दोनों तरफ एक्स के लिए ऐसे डिवाइड करेंगे डिवाइड डी एक्स इधर भी लिखा डिवाइड डी एक्स इधर भी लिखा ठीक है, तो लॉग वाई का डिवेटिव होगा वन बाई वाई फिर डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा ठीक है। अब लॉग है डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्स लॉग का सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की प्लस वन दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है हमेशा, तो एक्स फर्स्ट है लॉग ऑफ कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की प्लस वन सेकंड है तो ये एक्स की प्लस वन इसका एंगल है ठीक है, तो एक्स फर्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कट जाएगा, और एक्स डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स लॉग ऑफ कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स क्यू प्लस वन का डेरिवेटिव होगा वन बाई एक्स सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन, और फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा लॉग ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन का होगा वन बाई कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन, फिर डी बाई डी एक्स होगा लॉग के इस वेरिएबल का डेरिवेटिव कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन का डेरिवेटिव लॉग के इस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा प्लस ये जिस तरह से लिखेंगे वन ये खत्म हो जाएगा और एक्स वन से मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में ये टर्म उस तरह से लिखेंगे, और कोसेकंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स यानी कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन और कोटेन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन, ये आगे मैंने रीजन भी दिया कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कोटेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखें ये वाला और ये टर्म कोसेकंड वाली आपस में कट जाएंगे ऊपर एक नीचे मल्टीप्लाई हो रही खत्म हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव यहाँ पे कोसेकंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और कोटेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और फिर कोसेकंड के एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव इंटू डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस वन उसका डिवेटिव ले रहे हैं ठीक है, और ये वाली टर्म उस तरह से लिखेंगे ये देख लें। अब यहाँ पे माइनस कोटेन बच गया था कोटेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन आ गया, और जो एंगल पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं वन दोनों से अलग अलग अप्लाई करेंगे डिवाइड डी एक्स एक्स क्यू प्लस अलग वन के साथ भी लगाएंगे डिवाइड डी एक्स, और ये वाली टर्म उस तरह से लिखेंगे, और माइनस कोटेन हाइपरबोलिक एक्स क्यू प्लस वन और यहाँ पे एक्स क्यू का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्यू प्लस वन उस तरह से लिखेंगे, ये वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा देखें, और बुक का आंसर इसमें अगर पास गलत है ठीक है तो उसको आपने फॉलो नहीं करना। एफ पार्ट करते हैं एक्स कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई इक्वल टू वाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस फाइव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड दोनों डिवाइड कर डिवाइड डी एक्स जो भी लिखा जो भी लिखा दोनों साथ अलग अलग अप्लाई भी कर लिया डिवाइड डी एक्स एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड डी एक्स वाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट लगेगा फाइव का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट लगेगा
एक्स यहाँ पे फर्स्ट का सब बोल का वाई सेकंड है, तो फर्स्ट डिवेटर और सेकंड प्लस सेकंड डिवेटर फर्स्ट हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई फर्स्ट है तो डिवेटर साइन है बोले का वाई बोली काफ़ी एक्स प्लस साइन है बोली काफ़ी एक्स डिवेटर वाई का होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कास है बोली काफ़ी एक्स का डिवेटर हमारे पास क्या होता है, कास है बोली का वाई का डिवेटर साइन है बोली का वाई, और फिर कास के थीटा का भी डिवेटर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो प्लस कास है बोली का वाई, इस तरह से लिखा वाई डी वाई डी बाई डी एक्स साइन है बोली काफ़ी एक्स का डिवेटर होता है कास है बोली काफ़ी एक्स वो लिखा, और इसके एक्स का डिवेटर वो कट जाएगा डी डी एक्स बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, साइन है बोली काफ़ी एक्स उस तरह से लिखा डी वाई बाई डी एक्स उस तरह से लिखा। या मैंने नीचे ये नीचे मैंने रीजन भी दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स उनको एक जगह पे कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स ये भी है डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन है बोली काफ़ी एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, कास है बोली काफ़ी वाई दूसरी तरफ जाएगा माइनस कास है बोली काफ़ी वाई हो जाएगा। ये देखिए तो हमसे डी वाई बाई डी एक्स कम ले लिया और डी वाई बाई डी एक्स वैली फाइंड करी मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर खत्म कर देंगे, हेंस का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। क्वेश्चन फोर का ये पार्ट रह गया था, ये पार्ट हमारे पास ये है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब यहाँ पे देखें लॉग अप्लाई करेंगे, जैसे डी पार्ट किया है तो इस तरह से आपने ई पार्ट भी करना है। मैंने लॉग अप्लाई किया, लॉग इधर भी लिखा, लॉग इधर भी लिखा, लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो लॉग पहली वैल्यू माइनस लॉग दूसरी वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ये लॉग एम डिवाइड बाई एन ये पूरा एम और नीचे एन है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग के साथ दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग पहली वैल्यू एक्स क्यू प्लस लॉग दूसरी वैल्यू एक्स के प्लस वन और वन बाई टू माइनस लॉग ऑफ ये वैल्यू, ठीक है। अब लॉग हो साथ वेरिएबल ऊपर पावर हो तो क्या किया जाता है, पावर को पहले लिख लेते हैं लॉग से, लॉग से पहले पावर लिख ली, वन बाई टू पावर पहले लिख ली या वन बाई टू पावर लिख ली, और फिर उसके बाद आपने डिवाइड करना है या कि आपने खुद अटैम्प्ट करना है डी पार्ट की तरह है। छठा क्वेश्चन करते हैं, छठे क्वेश्चन में हमारे पास डी बाई डी एक्स वेरीफाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो फंक्शन दिए जाएंगे वो हाइपरबोलिक इन्वर्स होंगे, पिछले जो फंक्शन थे वो हाइपरबोलिक से, अभी हाइपरबोलिक इन्वर्स आ गए हैं तो y इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ साइन ऑफ x, यहाँ पे इसका एंगल साइन ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड के दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखा। ये देखिए साइन ऑफ टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x का डिवेटिव होता है वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स के, यहाँ पे x है तो तभी x के लिखा है, ठीक है। और फिर टेन के एंगल का डिवेटिव dx बाई डी एक्स कट जाएगा तो यहाँ इसका एंगल साइन ऑफ x है तो वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्केयर होता है, जहाँ पे एक्स जगह साइन ऑफ एक्स, एक्स साइन ऑफ एक्स का स्केयर हो जाएगा और फिर टेन के एंगल का भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन माइनस, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका स्केयर होगा तो फिर एंगल का भी अलग से स्केयर डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वन डिवाइड बाई वन माइनस, यहाँ पे एक्स का स्केयर होता है एक्स जगह साइन एक्स उसका स्केयर होगा इंटू डेरिवेटिव होगा टेन के एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैंने आगे रीजन दिए कॉस ऑफ एक्स होता है ये लिखा, और वन माइनस साइन ऑफ एक्स ये हो जाएगा साइन स्केयर ऑफ एक्स, वन माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्केयर ऑफ एक्स होता है कॉस स्केयर ऑफ एक्स लिखा ये कट जाएगा और वन बाई कॉस सेकंड के इक्वल होता है, इसका रीज़न है इसका डेरिवेटिव ये आ गया। आगे बी पार्ट देखें वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, अब इसका एंगल टेन ऑफ एक्स है ये आप खुद करेंगे, ये देखें वन इसका होता है डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो वन डिवाइड अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है टेन ऑफ एक्स है तो टेन ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा और डेरिवेटिव फिर टेन हमारे पास एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स है फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा और वन प्लस टेन स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा सेकंड सेकंड कटेगा तो एक सेकंड बच जाएगा इसका डेरिवेटिव ये होता है। आगे थर्ड पार्ट देखें वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ सेकंड ऑफ एक्स या खुद अटैम्प्ट करेंगी, यहाँ पे देखें इसका कॉस हाइपरबोलिक होता है वन डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स जगह सेकंड स्क्वायर माइनस वन होगा और फिर सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि एंगल का भी डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड टेन हो जाएगा या कि मैंने रीजन भी दी है और अंडर रूट सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन हमारे पास होता है टेन स्क्वायर एक्स के, ठीक है, और वह एंगल से कट जाएगा और टेन कट जाएगा या कि आपने खुद अटैम्प्ट करना है। आगे डी पार्ट देखें वाई इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थ्री एक्स, इसका एंगल थ्री एक्स है तो डेरिवेटिव दोनों अलग अलग अप्लाई डी बाई डी एक्स लिखा वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यानी कि वाई प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है फर्स्ट एक्स है और टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थ्री एक्स सेकंड है तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा। अब टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है
तो 1/(1 − x) की जगह यहाँ पे 3x है, 3x का स्क्वायर होगा। और फिर डेरिवेटिव टेन के एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, 3x का डेरिवेटिव लेंगे, टेन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x, उस तरह से लिखा। dx कट के ख़त्म हो गया। अब x/(1 − अंदर x के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पे आएगा तो 3 × 9 हो जाएगा, x पे आएगा तो x² आ जाएगा और 3 पहले आ जाएगा, डिवाइड बाई x लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा, प्लस 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x आ जाएगा, 3x/(1 − 9 x² हो जाएगा, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x आ जाएगा, हेंस इसका डिवेटिव ये आ गया। ई पार्ट देखें, y इक्वल टू x का हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस अनरूट x² − 1, अनरूट को हटा के 1/2 वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब डेरिवेटिव अंदर दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई किया, डेरिवेटिव हो x और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट x सेकंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो, पावर पहले आ गई, पावर में सेकंड में माइनस किया तो −1/पावर आ गई, और फिर बगैर पावर x² − 1 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है 1/√x² − 1, तो 1/√x² − 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव dx/dx, इसके एंगल का डेरिवेटिव इसको इस तरह से लिखा, ये ख़त्म हो गया। 1/(x·(−1/2) तो नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा, अंदर डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई करेंगे, पहले के साथ डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई की, पावर 1 पहले आ गई, पावर में सेकंड में माइनस किया, बगैर पावर डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x, इस ब्रैकेट के अंदर 2x बच जाएगा, देखें −0 ख़त्म, 1/2 ये 2 और ये 2 का ख़त्म हो जाएगा, और ये 1/2 का हटा के मैंने √2 डाल दिया, इसको इस तरह से लिखा और इस टर्म को भी इस तरह से लिखा, और इसके बाद इसको पहले लिख लिया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x को, और x/ये टर्म इधर लिखी, और माइनस यहाँ पे x/ ये टर्म बची, प्लस माइनस एक दूसरे ख़त्म हो जाएंगे, इसका डेरिवेटिव ये आगे देख लें। एफ पार्ट है, लॉग कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 6, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, dy/dx से भी लिखा, dy/dx से भी लिखा, यहाँ पे डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो लॉग ऑफ x की जगह ये पूरी वैल्यू है, तो 1/cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होगा, फिर dy/dx लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी लॉग के वेरिएबल का डेरिवेटिव, dy/dx ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x प्लस dy/dx साइन हाइपरबोलिक का होता है 1/√1 + x², ठीक है। ये देखिए 1/√1 + x जगह y है, y का स्क्वायर होगा, और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने dy/dx वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे dy/dx कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है 1/√1 √x² − 1 वो लिख लिया, और x का डेरिवेटिव dx/dx एंगल का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। हमने dy/dx वैल्यू फाइंड आउट करनी, पहले इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे जो माइनस हो जाएगी, और डेरिवेटिव की सारी चीज़ डिवाइड उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। छठा क्वेश्चन है, p(x) हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx से भी लिखे थे, p′(x) हो जाएगा, 40 के साथ डेरिवेटिव लगाएंगे, और यहाँ पे 25 को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव लॉग ऑफ x + 1 पे लगाएंगे, लॉग ऑफ x डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग ऑफ x + 1 का डेरिवेटिव 1/x + 1 होगा, फिर लॉग वेरिएबल का डेरिवेटिव भी होता है, dy/dx ऑफ x + 1 दोनों से अलग अलग अप्लाई, 1+0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यह आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव में आपने पुट करना है x जगह, पहले क्या पुट करेंगे 10, फिर पुट करेंगे 30, फिर पुट करेंगे 60, मैंने आगे पुट किया, ये देख लें डेरिवेटिव में इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। देखें, पहले 10 पुट किया, फिर 30 पुट किया, और फिर 60 पुट किया, ये आपने खुद करना है। आगे देखें, आखिरी क्वेश्चन हमारा 8वां है, a(t) = 5002 √2t, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, दोनों विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे, d/dt तो भी लिखा टी के लिए तब डेरिवेट करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल t यूज़ हो रहा है, अब 5000 को बाहर निकला, डेरिवेटिव 2/2t पे लगा दिया। अब हमारे पास a/x का डेरिवेटिव क्या होता है, a/x उसी तरह से log ea, ठीक है, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव भी लेते हैं dx/dx, तो देखें log 2/2t लिखेंगे, फिर log 2e और d/dt 2t, इसकी पावर का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव, ठीक है। अब 2/2t इस तरह से लेकर log 2 आ जाएगा, 2e और 2 और पहले लिखा, डेरिवेटिव t के साथ लगाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/2t log 2 लिखा उस तरह से, और यहाँ पे 2 बच गया, ये आ जाएगा 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 2 को इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5000 के साथ, तो ये आ जाएगा 10000, ठीक है।
अब ए ऑफ टी आपके पास आ जाता है 1000, ये log 2, ये वाला log 2 है, ठीक है, इसको ln से लिख लिया या log से लिखे मर्जी आपकी, और 2/2 टी को उस तरह से लिखे, इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 में टी की जगह 1 पर पुट करेंगी पहले, फिर टी की जगह 5 पुट करेंगी, तो ये आगे आपने खुद अटैम्प्ट करना है, देख लें। तो हिंस इसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन। तो आपने अब जितने पार्ट हैं जो आपको मैंने ज़्यादा डीपली नहीं समझाया, आपने खुद समझ के खुद अटैम्प्ट करने हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। तो आपकी 2.7 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।